दोस्तों नथिंग के सबसे पहले स्मार्टफोन नथिंग फोन वन ने ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म किया इंडियन मार्केट में भी और यहाँ पे ग्लोबली भी। लेकिन दोस्तों अब जो नथिंग है वो यहाँ पे तैयारी कर चुका है अपने नेक्स्ट नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की, जो कि होने वाला है यहाँ पे नथिंग फोन 2। अब ये जो स्मार्टफोन है इसके बारे में एक चीज यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कन्फर्म कर दी है, वो ये है कि नथिंग का जो नया नवेला स्मार्टफोन होने वाला है अपकमिंग, वो यहाँ पे एक फ्लैगशिप परफॉर्मर स्मार्टफोन होने वाला है। और यहाँ पे खुद जो नथिंग के जो फाउंडर हैं काल पे, उन्होंने खुद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 के अंदर जो भी चल रही है बार्सिलोना के अंदर यहां पे कंफर्म कर दिया है। उन्होंने यहां पे बताया कि उनका जो अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है नथिंग फोन 2, उसके अंदर वहां पे क्वालकॉम का 8 सीरीज का चिपसेट यहां पे यूज करने वाले हैं। अब 8 सीरीज का चिपसेट यहां पे फ्लैगशिप ही यहां पे होने वाला है। अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि भाई वो जो चिपसेट है कौन सा होने वाला है, 8 प्लस जेन 1 होने वाला है या जेन 2 होने वाला है। पहले रूमर्स यहां पर निकल कर आए थे, रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि बिल्कुल ही नया 8 सीरीज का चिपसेट यहां पे होने वाला है। तो अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि 8 सीरीज का कौन सा चिपसेट होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो रिपोर्ट से पता लग रहा है और मुझे पर्सनली यहां पे लग रहा है कि 8 प्लस जेन 1 यहां पे रहेगा। क्योंकि नथिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि भाई वो पहले ही उन्होंने बजट सीरीज के अंदर अपना एक स्मार्टफोन यहां पे लॉन्च किया और उसके बाद अभी वो एक बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर, मिड रेंज फ्लैगशिप कैटेगरी जिसे बोल देते हैं, वहां पे अपना स्मार्टफोन लेके आएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके यहां पे जाएंगे। जब यहां पे एक रिपोर्टर ने, हमारी इंडियन रिपोर्टर ने वहीं पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर उनसे ये चीज पूछी भी थी कि क्या वो यहां पे अपने अगले स्मार्टफोन के साथ डायरेक्ट यहां पे कंपटीशन करना चाहेंगे जो फ्लैगशिप कैटेगरी है, जैसे कि आईफोन 14 प्रो और जो सैमसंग गैलेक्सी की जो एस सीरीज है उसके साथ। सो यू आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी अ मोर प्रीमियम डिवाइस, सो डज दैट ट्रांसलेट और डज दैट मीन दैट इट विल कम्पीट विद यू नो द सैमसंग फ्लिप फोल्ड्स और प्रोबेबली एन S23 अल्ट्रास ऑफ द वर्ल्ड? हाउ इज इट गोइंग will it compete with the 13 Pro Max, 14 Pro Max on the iPhone? I think our approach is to make our products more and more differentiated. So we took the first step with the Phone 1. The Phone 1 was quite different from other smartphones at that time. The Phone 2 will be even more different than smartphones at its time. तो कालपे का जो ओवरऑल रिप्लाई था उससे यहाँ पे यही लग रहा है कि नहीं भाई, वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रीमियम जो फ्लैगशिप कैटेगरी है उसके अंदर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे नथिंग के जो फाउंडर हैं कालपे, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर ही कंफर्म कर दिया था कि उनका जो स्मार्टफोन होने वाला है नथिंग फोन 2, वो उनका जो प्रीवियस स्मार्टफोन है नथिंग फोन 1, उससे तो यहाँ पे जरूर से प्रीमियम होने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी का टॉप नॉच वाला होगा, ऐसा उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला है। अब दोस्तों इसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं नथिंग फोन 2 की, उसके बारे में अभी हमें खास यहां पर पता नहीं है। एक और चीज हमें पता है कि यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि यहां पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। अब एक और चीज का रिपोर्ट से पता लगा था कि यहां पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी नथिंग के नए फोन के अंदर। अभी फास्ट चार्जिंग यहां पे जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, अगर प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं तो पहले वाले से तो ज्यादा ही फास्ट चार्जिंग यहां पे देंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे कालपे ने खुद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर ये भी यहां पर बोला है कि वो इंडियन मार्केट को लेके, इंडिया को लेके यहां पे काफी ज्यादा बुलिश हैं, तो ये एक बार आप उनके मुंह से सुन लीजिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया एंड इंडियास इकॉनमी। आई थिंक दिस ईयर इज गोना ग्रो बाय 6% व्हाइल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गोना फॉल इनटू रिसेशन। श्योर, आई थिंक द पॉपुलेशन इज वेरी यंग, सो देयर इज अ लॉट मोर दे कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द कंट्री एंड द इकॉनमी। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट स्टार्ट इन इंडिया। आई वाज able to meet the Prime Minister recently on my trip, so I'm still really grateful for that, because in that meeting we were the only startup company, all the other companies were very established, so I think there's a affinity for our brand in the market already, so hope to build upon that. It's going to be a important market for us going forward. A lot of our manufacturing is already done in India. अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आखिरकार नथिंग फोन 2 कब लॉन्च होगा, क्या कुछ टाइमलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जैसे कालपे ने यहाँ पे खुद ही बोला है कि लेटर दिस ईयर, मतलब 2023 लेटर दिस ईयर, तो लेटर दिस ईयर से आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे शायद से वो फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो अब फोर्थ क्वार्टर के अंदर तो अक्टूबर से दिसंबर कभी भी आ जाता है, तो मतलब कि इसी साल 2023 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको नथिंग का जो नया स्मार्टफोन है अपकमिंग नथिंग फोन 2, जो कि प्रीमियम कैटेगरी का एक स्मार्टफोन होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा लॉन्च। तो दोस्तों अभी के लिए ये थी सारी की सारी अपडेट्स जो कि हमें नथिंग फोन 2 के बारे में यहाँ पे पता लगी है। कुछ कंपनी की तरफ से ऑफिशियली हमें सुनने को मिला है कालपे की तरफ से, और कुछ यहाँ पे रिपोर्ट से पता लगा है, मिला जुला के मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, आपके क्या ख्याल है नथिंग फोन 2 के बारे में, नथिंग इस ब्रांड के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सपोर्ट कर देना भाई, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।